भारत की धरती राम और कृष्ण की धरती है, भारत की धरती जेहाद की धरती नहीं है। और इसीलिए आज मैं आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं, आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। पूरे देश के अंदर जो इस समय लहर है, मैं अभी मध्य प्रदेश से महाकाल की धरती से आ रहा हूं, पूरे देश के अंदर 9 राज्यों में प्रचार के लिए भी तक गया और पूरे देश के अंदर आज जो लहर है, जो स्वर है, वह दो ही प्रकार की गूंज रही है। एक पूरे देश के अंदर हर जान पर है कि फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार। और दूसरा है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बहनों और भाइयों, आपने बदलते हुए भारत को देखा है, एक ऐसा भारत 2014 के पहले का और 2014 के बाद का भारत। 2014 का पहले का भारत दुनिया के अंदर विश्वास खो चुका था, अराजकता का शिकार था, आतंकवाद और नक्सलवाद से ग्रसित था, युवा पलायन करता था, अन्नदाता किसान आत्महत्या करता था, भ्रष्टाचार इस कदर था कि विकास की कोई भी योजना आगे नहीं बढ़ पाती थी, गरीबों को कोई भी शासन की योजना का नहीं प्राप्त हो पाती थी। बहनों और भाइयों, ये जितनी भी प्रकार की अराजकता थी, ये वे लोग करते थे जिन लोगों को भारत के लोकतंत्र पर विश्वास नहीं था, जिन लोगों को देश के लोकतंत्र पर विश्वास था, वे मजबूती के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके भारत को मजबूत बनाने के लिए आगे बढ़ते थे। लेकिन जिनको भारत की यह प्रगति अच्छी नहीं लगती थी, वे लोग हर योजना में भ्रष्टाचार ढूंढने का प्रयास करते थे। लेकिन 2014 के भारत को आपने देखा होगा, 2014 के भारत को आपने इस रूप में देखा होगा कि 2014 के बाद का भारत आज नया भारत है, दुनिया के अंदर जिसका सम्मान है। 2014 के इस भारत में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से नए भारत में हमें एक नए रूप में हम भारत को देख रहे हैं। ये नया रूप हमारे सामने है, जिस नए भारत में वे आप देख सकते हैं दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हुआ है। तो बहनों और भाइयों, अब वह स्थिति नहीं कि कहीं विस्फोट होगा और सरकार कहे, कांग्रेस नेतृत्व की सरकार जब सपा बसपा के लोग समर्थन करते थे तब कांग्रेस की सरकार कहती थी कि साहब तो सीमा पार से आतंकवाद है, और आज कहीं जोर से पटाखा भी फट जाए ना तो बहनों और भाइयों, तब पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है और सफाई दे करके कहता है कि मेरा इसमें हाथ नहीं है, और वह अब सफाई दे करके पहले से ही देखता है कि नया भारत कैसा भारत है। वो नए भारत की ताकत को जानता है कि नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ये वही भारत है जिस भारत में पहले आतंकवादियों को देख करके सरकारें कहती थी कि ये तो सीमा पार से हैं। आज सीमा पार से उसका आका भी सफाई देने के लिए मजबूर होता है। बहनों और भाइयों, ये नए भारत में आज विकास के कार्यों को आप देख रहे होंगे। 2022 में मैं आया था,
मैंने कहा था ना गंगा मैया पे बनने वाला पुल बहुत शीघ्र तैयार होने के लिए प्रारंभ होगा, आज कार्य प्रारंभ हो चुका है। तब मैंने कहा था कि फर्रुखाबाद में जो नारा पहले लगता था कि फर्रुखाबादी चूसे गन्ना, अब वह नहीं होगा, फर्रुखाबाद भी एक्सप्रेस के साथ जुड़ेगा। हम एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने की कार्रवाई भी हम लोगों ने आगे बढ़ा दी है। बहनों और भाइयों, आज हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज का सपना साकार हो रहा है, आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, हर घर नल की योजना के साथ साथ विकास की योजनाओं को भी एक लंबी फेरस और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का भी। देश के अंदर 80 करोड़ लोग राशन की सुविधा का फ्री में लाभ प्राप्त कर रहे हैं, याद करिए 80 करोड़ लोग भारत में राशन प्राप्त कर रहे हैं, और पाकिस्तान में 23 से 24 करोड़ लोग भूखों मर रहे हैं। आप अनुमान करिए, जो लोग जेहाद की बात कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि इनके आकाओं ने पहले देश का बंटवारा किया था और आज जेहाद की बात करके देश के लोकतंत्र को ये लोग कलंकित करना चाहते हैं। इनको बताया जाना चाहिए कि जेहाद में अगर इतना ही प्यार है तो भूखों मरने के लिए भीख मंगे पाकिस्तान के पास जाइए, जो आज 2 जून रोटी के लिए तड़प रहा है। बहनों और भाइयों, देश के अंदर 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है, और अगर कोई गरीब बीमार होता, हमारा विधायक, सांसद, कोई पदाधिकारी, पूर्व विधायक या कोई कार्यकर्ता या पीड़ित स्वयं भी मुझे पत्र लिखता है कि हम बीमार हैं, पैसा नहीं खर्च कर पा रहे हैं, पैसा नहीं है, आयुष्मान कार्ड भी नहीं बन पाया है, तो बहनों और भाइयों, उस व्यक्ति के लिए हम वहीं से जनधन अकाउंट में, जो मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोला है, उसी में लखनऊ से सीधा पैसा भेजते हैं, कहते हैं अपना उपचार कराइए, आराम से उपचार कराइए, जितना पैसा लगेगा सरकार देगी। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खोल दिए, देश के अंदर 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है, 12 करोड़ गरीब घरों में शौचालय बन गए हैं, 10 करोड़ माताओं को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिल गया है, और बहनों और भाइयों यही नहीं, 4 करोड़ लोगों को मकान, और मोदी जी ने कहा है बाकी जो लोग बचेंगे उनको भी हम आवास की सुविधा का लाभ अगले 5 वर्ष में दे देंगे। ये विकास की जो योजनाएं चल रही है, गरीब कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, सुरक्षा और सम्मान का जो बेहतर माहौल बना है, बहनों और भाइयों इन सब को जोड़ते हुए एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है और दूसरी तरफ एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर सेंध लगाने वाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टियां हैं। बहनों और भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण एक कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग करा पाते? क्या राम मंदिर का निर्माण होने पे आप खुश हैं? क्या कितने लोग अयोध्या गए हैं? अरे ये तो पूरा ही कायमगंज गया है, बाकी जो लोग बच जाएंगे, मैं यहां के विधायकों से और मुकेश राजपूत से भी कहूंगा कि लोकसभा चुनाव के बाद बाकी लोगों को अयोध्या का दर्शन करा के लेके आ जाएं।